अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, सुबह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। आज बहुत धूप निकला है हमारे यहाँ पे और हमारी आयु देखिए क्या स्टाइल करके बैठी है। आयु डॉक्टर बन के उसकी नाना को ट्रीटमेंट कर रही है ना आयु? नाना की तबीयत कैसी है आयु? खलप है, खला है, अच्छा भरे इंजेक्शन इंजेक्शन दिसे इतिया लके आसे ओ एते जो ट्रीटमेंट करा गय। हमारी डॉक्टर आयु है, ये है ना आयु? आयु डॉक्टर आयु, ये देखिए आयु डॉक्टर बन गई है। ये देखिए हमारी आयु कैसे ट्रीटमेंट करती है, ये देखिए। आप लोगों को आता है ऐसा ट्रीटमेंट करना? एटा बड़ी तो बिखा से ये देखिए, ये सब लेके अब्बा के साथ खेल रही थी और अभी बन गई है डॉक्टर आयु। तो आयु ट्रीटमेंट करते रहे और मैं बाकी के काम करती हूँ। अम्मी घर की सफाई कर रही है और नाश्ता वगैरह तो सुबह सुबह हो गया है हमारा, काफ़ी काम ख़त्म कर लिया है हमने। और मैं जा रही हूँ खाना पकाने के लिए। और इधर देखिए ऑर्डर की कुछ मतलब मैं 50 ग्राम की सौप बनाती हूँ तो ऑर्डर आ गया है 100 ग्राम बनाने के लिए। तो ये 100 ग्राम की मैंने बना लिया है कुछ, और ये 50 ग्राम की भी बना लिया है। तो इसको मैं बाद में पैक करूँगी और फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ। सुबह सुबह उठ के मैंने पहले सौप की तैयारी किया है क्योंकि आज लेने वाले हैं ये ऑर्डर की, जो जितने भी मतलब ऑर्डर किया है ये बनाया है दो, और ऐसा दो बनाया है। और ऑर्डर करेंगे तो मैं और भी बनाऊंगी, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। और बहुत सारे ऑर्डर की पड़े हुए हैं तो वो सब लेके जाएंगे आज, और उसके बाद मैं बाकी के बनाऊंगी। फ़िलहाल ऑर्डर जितना भी हुआ है उतना ही मैंने बनाया है और एक्स्ट्रा बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह रात को शायद। और अभी यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिया है और चावल जब तक पक जाए तब तक मैं तैयारी करती हूँ। आज बनाने वाली हूँ चिकन की एक नया डिश, यूनिक रेसिपी और बहुत टेस्टी रेसिपी भी है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ मेरी रेसिपी। तो एंजॉय कीजिए मेरी रेसिपी को और मेरे वीडियो को भी एंजॉय कीजिए। तो देखते रहिए आगे की वीडियो। आज की रेसिपी है चिकन रिजाला रेस्टोरेंट स्टाइल में, और चिकन को मैंने धो के ले लिया है अच्छे से, और इसमें काफ़ी सारा दही दे दिया है। इसमें काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, बस इन्हीं चीज़ों को अच्छे से मैरिनेशन के लिए मैं मिला के रख दूँगी। मैरिनेट हो जाएगी कुछ देर तक, लगभग आधा घंटा या फिर 10-15 मिनट भी रख सकते हो आप। और यहाँ पर मैंने खसखस के साथ मैंने दे दिया है काजू, और अच्छे से पेस्ट बना लिया है मैंने, और उसी में ही मैंने दे दिया है कुछ हरी मिर्च और प्याज, इसका भी मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। और अभी पैन में मैंने दे दिया है 1 चम्मच घी और थोड़ा सा ऑयल, और सिर्फ घी के साथ भी बना सकते हो और बिना घी के भी बना सकते हो, आपके मर्ज़ी है। और यहाँ पे खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, इलायची, दालचीनी, लौंग और सूखी हुई लाल मिर्च, बड़ी इलायची भी बस, और कुछ दाने काली मिर्च का, इतना दे के थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद उसमें दे दीजिएगा जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज का, वही पेस्ट मैंने डाल दिया है। और इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने दे दिया है चिकन को, और चिकन को यहाँ पे जैसे हम फ्राई करते हैं ना जैसे तेल में, उसी तरह से अलट पलट के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद आगे की प्रोसेस देखते रहिए आप लोग।
देखिए लगभग बहुत हद तक आधा तैयार भी हो चुका है, और इसको उलट पलट के देखिए पानी सूख गया है सारा, पानी निकला ही नहीं इतना ज़्यादा। और उसी मतलब इसमें दे दिया है मैंने जो मैंने काजू और खसखस का पेस्ट किया था उसको मैंने दे दिया है अच्छे से। और उसके बाद मैंने जो मसाले बचे थे मैरिनेशन की वो भी डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी भी दे दिया है उसको उसी कटोरी को धो के, और ऊपर से थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च छिड़क दिया है ताकि अच्छे से कलर आ जाए। और यहाँ पे जब तक तेल छोड़ देगा, तेल ऊपर आ जाएगा तब तक मैं अच्छे से पकाऊंगी, उलट पलट के पकाऊंगी, और तेल ऊपर आने के बाद हमारा रेसिपी तैयार हो जाएगा। हमारा स्पेशल आज का डिश चिकन रिजाला रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी है, और खा के बहुत ही पसंद आया है सबको। तो आप भी ज़रूर खाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए पेश हो गया है हमारा डिश, अभी हो गया है फ़िलहाल शाम। और ये देखिए मैंने कल आयुक को मेहंदी लगानी थी और मैंने लगा दिया है, उसको टेढ़ी चाहिए था तो टेढ़ी मैंने बना दिया है, और आज फिर से मेहंदी लगानी है और अभी सोई भी नहीं है दोपहर के खाने के बाद, बोल रही है मम्मा मम्मा मेहंदी लगा दो। और पता है मेहंदी मैंने लाके नहीं दिया तो इसलिए उसने स्पेशली उसके नाना को बोल के, मेरे अब्बा को बोल के मुंबई से मंगवाया है मेहंदी। और अब्बा आने के बाद से मुझे तो हर रोज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है मेहंदी 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 पर, बारिश के लिए मैंने लगाया नहीं क्योंकि मेहंदी में बहुत ठंडा भी होता है ना, और इसलिए तो मैंने लगाया नहीं है। मैं जब से मतलब आयु के पापा के घर से हम आए हैं तब से आयु बहुत ज़्यादा जिद कर रही है मेहंदी मेहंदी मेहंदी, जिसको भी हमारे यहाँ पे हर कोई मतलब दो दिन बाद ही मेहंदी लगाती है। और तो लोगों की देख देख के आयु को भी मन करता है मेहंदी लगाने की, बहुत ज़्यादा शौक होता है। और मैं भी जब छोटी थी ना तो मेरा बचपन में भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहंदी का शौक़ था और बहुत ज़्यादा मन करता था। और पता है मैं हर रोज़ मतलब हर रोज़ नहीं, बस मेहंदी थोड़ा सा हल्का होते ही मैं फिर से लगाती थी, और इतना ज़्यादा मतलब एकदम पूरी हाथ डिज़ाइन करती थी मैं पहले मेहंदी। और स्कूल में जाती थी ना तो मैं दुपट्टे से या फिर कपड़ों से मैं ढाक देती थी क्योंकि टीचर नहीं तो मारेगी इसलिए। और आयु को भी वैसे मतलब हर बच्चे को ऐसा ही अच्छा ही लगता है मेहंदी लगाना, हमारे आयु कहाँ पीछे रहेगी है ना। देखिए हमारी आयु मेहंदी लगाते लगाते पूरी तरह से सो गई है, और ये देखिए उसकी मेहंदी मैंने लगा दिया है, अम्मी के गोद में सो रही है आयु। और इधर मैंने कैसे लगाया है देखिए, ये पहले का अच्छा नहीं हुआ इतना, ये देखिए बस ये कल इंशाल्लाह कल देखिएगा कितना रंग चढ़ा है, मैं कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पे ये तो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा ही है टेडी वाला, उसको टेडी चाहिए था, कल मैंने टेडी लगा दिया था, और ये देखिए आज मैंने लगाया, ये भी माशाल्लाह से अच्छा ही हुआ। और इधर देखिए आप लोगों को दिखाते दिखाते मेरे हाथ तो ख़राब ही हो गया है, उसकी आयु की ये उंगली भी ख़राब हो गई है। तो मेरी वीडियो को भी मैं यहाँ पर एंड करती हूँ क्योंकि मुझे ये सब साफ़ करनी है, आयु की ये भी ठीक करनी है नहीं तो रोएगी फिर। तो खुदा हाफिज़।